किकर तो माता जी के दरबार में ओट समाज जाए है किकर दशा माता ने मनावे है किकर मंदरा मोर बोले है चलिए भैया 1 2 3 4 बाबूदा जी चले बढ़ाओ एक बार दोनों हाथ ऊपर करें आप अपनी खुलते भी दे दरबार में मीठी मीठी ताली के साथ 1 2 3 4
समारी में मातायो ओ समाज ओ चरना आयो समारी में मातायो ओ दुर्गति में मातावे ओ ही न पड़े ओ दुर्गति में मातावे ओ ही न पड़े अरे मदने मोर बोले अरे जसमारे मोर बोले ये भगत बोले श्री कुलदेवी मात की बोलो अपने मात पिता गुरुदेव की हेलो 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 एक बार मैं बैसा से जोरदार था मंदिर जी मतलब मैं कार्यक्रम स्टार्ट नहीं करूँ फिर लावा ले गया और रात भर लावा ले लेना लावा लेना चाहिए क्योंकि नफरतों से दूर गरपना बसाना चाहिए और सांझ होते ही पंछियों को ठिकाना चाहिए भले ही तैरना आए या नहीं आए जहां मिले भक्ति का संबंध वहां पूछ जाना चाहिए। नंदा जी के लिए एक बार जोरदार तारा बजाओ मुझे पूछ से बता रहे इनसे ये जितने भी नौजवान साथी खड़े जिनके बिल्ले लगे हुए इनसे कुछ सीख लो काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता जिस किसी व्यक्ति को भी चाहे पानी पिलाने का काम मिला हो या जाजम बिछाने का काम मिला हो सुबह पूरे गांव की बहुत सुंदर महाप्रसादी का भी आयोजन है सही कह रहे हो सरपंच साहब पूरे और समाज की ओर से बहुत सुंदर महाप्रसादी का कार्यक्रम है अभी हम लोग सत्संग करके प्रातः आरती करके निकल जाएंगे लेकिन मुख्य काम जो है प्रभात में है माता जी की ध्वजा भी यहाँ पर होगी माता जी का यज्ञ हवन भी यहाँ पर होगा और हमारे पंडित जी महाराज निश्चित जी ने बताया कि बहुत सुंदर लगभग 5 साल बाद में हम इस मेले को ऑफिस कर रहे हैं 6-7 वर्षों पूर्व माता जी का ये मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम समस्त और समाज ने मिलकर किया 3 साल तो अपा देख लिया 2 साल पर झूठ मुक्तियां ध्यान है अभी मालिक मोको दियो है तो कमू को मौका ने छूकड़ो नहीं बड़े दिन बाद में मैंने माता जी अपने को सेवा मौको दियो क्योंकि काम कर लो माता जी दरबार में तो वो मौका अपने छूकड़ो नहीं तो पाचो पाचे 31 महीनों मेरे मित्रों मेरे देशवासियों अपने घरों में रहे पाचे आधा दिन मालिक नहीं दिखा वैसा हाँ इन वास्ते बहुत सुंदर भाव के साथ में शुद्ध देसी भजन के बादशाह हमारे भाई दुर्गेश जी मारवाड़ी क्योंकि ये गावरी ओखर भी ऐसा मन देखो बूढ़े बैठे बैठे बूढ़े मत हिलना चाहिए हमारे भाई दुर्गेश जी मारवाड़ी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं निजी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए भाई दुर्गेश जी मारवाड़ी बोले श्री रामदेव जी महाराज की जय हो बोले कुलदेवी आशा पूरा मात की जय हो और नहीं कोई आसरो मरे आप बिना रघुनाथ थोड़ी थोड़ी जेब बोल करे तो गर्मी तो बड़ी है आजकल भाई अगर लाइटों रिकॉर्डो दिखनी हाल है अब आप थोड़ा दिन पहला पुरानी टाइम में पहला खजूर वाली पंखियों घड़ी आम को 2-4 दिन पहला कोई एमएटी माते पंखियों गाल लाया पंखी लो पंखी पहुंच जरो माए पंखी और हारी उम्री थोड़े
गारंटी। मैं राजू भाई बैठा था, मैंने कहा लाइट और गुठो दी घनी हाल है राजू भाई, दो पंखी राजू भाई ले ली, दो पंखी मैं ले ली। अब मैं तो हाल कहीं कोई जागरण में आया हूँ, जागर मैंने पंखी साबुन तोड़ दी। दूसरे दिन मैंने लाइट की, मैं कहा बेटा पंखी लाइट दे रहे थोड़ी हवा खानी, क्या पापा पंखी तो राती टूट गई। अरे टूट गई की कारण क्या? हवा खा दी। मैं कोई बात नहीं, चार पांच दिनों पंखी वाला फाचा आयो क्या पंखी लो पंखी पहुंच रे माए पंखी और हरी उम्र थोड़े गारंटी। पंखी वाला ने बुलाया हो, मैं क्या बेटा बाबू तो गारंटी ली थी, मैं एक दिन नहीं हरी बीच दिन टूट गई। वो कहते हैं हवा की कण खा दी, मैं क्यों खाए जो मई खा दी, यूं हवा थोड़ी करनी थी। तो क्या पंखी ने पकड़ना रात को मुंडा तक हेटी यूं ना मुंडा थोड़ी जिंदगी मेरी पंखी ने कोई नहीं बगड़ दो, गर्मी तो पड़ी है बाकी थोड़ा थोड़ा जेकार अवश्य बोले आप लीजिए बिल्कुल ही देसी कदम है बुढ़िया विराज जोड़ा है पूरण देव में भजन गाँव का इतना लोग को निशाद नहीं था खाली वीणो वाज को लारे भीदरो हारो आगे बिना रहो हारो और बुढ़िया गाँव का अरे पिया गणीरो वरण हो तो पिया गणीरो वरण हो तो पिया पनीरो वरण हो तो पिया पनीरो वरण हो तो अरे पिया पनी मटरात करे हा अजमल वीरो वरण हो तो अजमल वीरो वरण हो तो अरे रमा कमल मटरात करे